बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाएंगे चिकन स्वांजना। स्वांजने को हमने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। देगची में हमने पानी डाल लिया है और पानी उबल रहा है, इसमें हम स्वांजना डालेंगे। स्वांजने को हम एक घंटे तक उबालेंगे। इसे एक घंटा हो चुका है, इसे हम नीचे उतार लेंगे। अब हम इसका पानी निकाल लेंगे। इसके ऊपर हम ठंडा पानी डालेंगे। इसका पानी हम अच्छी तरह से निचोड़ लेंगे। इसका पानी हमने अच्छी तरह से निचोड़ लिया है और अब हम लगाएंगे तड़का। अब हमने देगची को चूल्हे पर रख दिया है, इसमें हम देसी घी डालेंगे। अब घी गर्म हो चुका है, इसमें हम बारीक कटी हुई प्याज डालेंगे। इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। प्याज का रंग सुनहरा हो चुका है और अब हम इसमें कटे हुए टमाटर और सब्ज मिर्चें डाल देंगे। अब हम इसमें नमक डालेंगे, लाल मिर्च डालेंगे, हल्दी डालेंगे, मेथी डालेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे। अब हम देगची में चिकन डालेंगे। इसमें हम गरम मसाला डालेंगे। अब हम इसमें पानी डालेंगे। अब हम इसमें कटे हुए सब्ज धनिया डालेंगे। अब हम चूल्हे को बंद करेंगे। अब हम थोड़ा सा सालन निकाल लेंगे। इसे हम फिर से पकाएंगे और इसमें हम उबला हुआ स्वांजना डाल देंगे। इसे हम 5 मिनट तक पकाएंगे। अब इसे 5 मिनट हो चुके हैं। सालन को हम प्लेट में निकाल लेंगे। पहले जो हमने सालन निकाला था वो हम इसके ऊपर डाल देंगे। अब हमारा चिकन स्वांजना तैयार हो चुका है। अगर
अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल पाकिस्तानी क्रंच को सब्सक्राइब ज़रूर करें।